10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया था। ये 57 साल पहले की घटना है। प्रधानमंत्री ने बोला कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। वहां गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दें कि क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम की जिस घटना का छोटा सा जिक्र किया, उसने देश के तमाम लोगों में उस घटना से जुड़ी हकीकत जानने की जिज्ञासा पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर तर्क कुतर्क की बमबार्डिंग हो रही है। स्वघोषित ज्ञानियों जिनके पास जितना ज्ञान है वो उतना परोसकर या तो कांग्रेस को कोस रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको मिजोरम पर हुई एयर स्ट्राइक के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश श्रीवास्तव और किस्सा कहानी के इस एपिसोड में बात होगी मिजोरम की। वहां हवाई हमला जो हुआ था उसकी बात होगी। इंदिरा गांधी की मिजो नेशनल फ्रंट की, ऑपरेशन जेरिको की, राजीव गांधी की और उस वजह की भी बात होगी जिसके कारण तत्कालीन सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। वो तारीख थी 5 मार्च 1966। जगह थी अभी के मिजोरम की राजधानी आइजोल। सुबह करीब 11:30 पर आसमान में 4 लड़ाकू विमान शहर के ऊपर मंडराने लगते हैं और फिर अचानक आसमान से बम बरसाने लगते हैं। यह किसी दुश्मन देश के नहीं थे बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और मिजोरम को मिजो हिल्स कहते थे। ये बमबारी 13 मार्च 1966 तक होती है, करीब 9 से 10 दिन तक। इस बमबारी को हुए अब 57 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 5 मार्च 1966 से 6 साल पहले 1960 में हो गई थी। तब मिजो हिल्स असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसी साल मतलब कि 1960 में असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। यही विवाद का जड़ था, यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आती है उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। मिजो हिल्स के लोग, मिजो लोग इसी का विरोध करने लगे। 28 फरवरी 1961 को इसी वजह से मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बनता है और इसके नेता लालडेंगा थे। लालडेंगा भी पहले असम राइफल्स में थे। MNF ने शुरुआत में शांतिपूर्वक धरनों से अपनी बात रखनी शुरू की, लेकिन साल 1964 में असमिया भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि इसमें अधिकतर मिजो लोग थे। इसी वजह से मिजो हिल्स के लोगों में नाराजगी बढ़ती गई और शांतिपूर्वक जो धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, MNF ने अब हिंसा पर उतर आया। इस बीच मिजोवासी बटालियन से निकाले गए थे वो MNF में शामिल हो गए, मतलब कि मिजोरम नेशनल फ्रंट में शामिल हो गए। इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। चूंकि वो बॉर्डर इलाका था और वहां से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश, वहां से मिजो नेशनल आर्मी को हथियार मिलने लगे, सप्लाई होने लगा और चीन भी इसी साजिश में शामिल भी हो गया और गुपचुप तरीके से मिजो नेशनल फ्रंट मिजो नेशनल आर्मी का समर्थन कर रहा था।
तब सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई। तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, ये वहां जाकर छिप गए। सुरक्षा बलों ने साल 1963 में राजद्रोह के आरोप में लालडेंगा को गिरफ्तार कर लिया। लालडेंगा पर मुकदमा भी चला लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। फिर आता है साल 1965। ये वही साल था जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। भारत पाकिस्तान के बीच इस युद्ध के कुछ महीनों के बाद ही मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोह भी काम करना शुरू कर दिया। इस मौके पर दबाव बनाने के लिए मिजो नेशनल फ्रंट ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा। इसमें लिखा था कि मिजो देश भारत के साथ लंबे अस्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। मतलब खुद को आजाद कर लिया। 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मौत हो जाती है। शास्त्री जी की मौत को अभी 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के नेता लालडेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को पत्र लिख दिया। उन्होंने लिखा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि अंग्रेज के समय भी हम लोग आजादी की स्थिति में रहे हैं, यहां पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। ये पत्र जब लिखा जाता है उसके ठीक तीसरे दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती। इंदिरा गांधी के सामने एक अलग तरह की चुनौती आने वाली थी। उसके बाद 28 फरवरी 1966 मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू कर दें। ऑपरेशन जेरिको सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर हमला किया जाता है। अगले दिन 29 फरवरी को मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी। अचानक हुए ऑपरेशन जेरिको के लिए मिजो हिल्स में जो सुरक्षा बल तैनात थे वो उतने तैयार नहीं थे। उग्रवादियों ने देखते ही देखते आइजोल में सरकारी खजाने के साथ चंफाई और लुंगलाई जिलों में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। मिजोरम द डायगर ब्रिगेड किताब में निर्मल निवेदन ने लिखा है कि मिजोरम नेशनल फ्रंट उग्रवादियों का मुख्य जत्था असम राइफल के ठिकाने पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि कोई बाहर नहीं निकल सके। वहीं दूसरी तरफ उसके दूसरे जत्थे ने सरकारी खजाने पर धावा बोल दिया, सरकारी खजाने पर धावा बोल दिया और 18 लाख रुपए लूट लिए। उधर सीमावर्ती नगर चंफाई में असम राइफल्स के ठिकाने पर आधी रात को हमला इतनी तेजी से हुआ था कि जवानों को अपने हथियार लोड करने का भी समय नहीं मिला। इस हमले की खबर लुंगलाई और आइजोल तक वक्त रहते नहीं पहुंच सका। उग्रवादियों का हमला बहुत तेज था। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए थे। इनमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफलें, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफलें थी। एक जूनियर कमीशन्ड अफसर के साथ 85 जवानों को बंधक बना लिया गया था। विद्रोह हो गया। यहां से किसी तरह से 2 सैनिक भागने में कामयाब तो हो गए और इन्हीं 2 सैनिकों ने हमले की जानकारी ऊपर दी। इस बीच
मिजोरम नेशनल फ्रंट ने टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया ताकि आइजोल से भारत के सारे कनेक्शन टूट जाएं। भारतीय सेना वहां पर हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की बहुत कोशिश की और कर भी रही थी, लेकिन मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से वहां वो मदद नहीं पहुंच पाई। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला था। इसके बाद MNF असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतार कर अपना झंडा फहरा देता है। उधर दिल्ली में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी भी इस घटना से हिल उठती है और तब जाकर सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश देती है। और दिन था 5 मार्च 1966 को वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों को आइजोल में MNF के उग्रवादियों पर बमबारी की जिम्मेदारी दी गई। इनमें से 2 लड़ाकू विमान फ्रांस का दसॉल्ट ऑर्गन और 2 ब्रिटिश हंटर विमान थे, जो इन विमानों को भारत में तूफानी नाम से जाना जाता है। उस वक्त असम के तेजपुर, कुंभीग्राम और जोरहाट से ये विमान जो लड़ाकू विमान थे उड़ान भरने के बाद इन लड़ाकू विमानों ने मशीन गन से उग्रवादियों पर फायर किया। दूसरे दिन इन लड़ाकू विमानों ने आग लगाने वाले बम बरसाए। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और दूसरे इलाकों में 13 मार्च तक बमबारी की। इन फाइटर प्लेन को उड़ाने वाले उन पायलटों का नाम जानते हैं आप? उनके नाम थे, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम बने, एक का नाम था राजेश पायलट और दूसरे थे सुरेश कलमाडी। इधर बमबारी से घबराए स्थानीय लोग जान बचाने के लिए पहाड़ियों की ओर चले गए और वहां जाकर छुप गए। वहीं MNF के उग्रवादी जो हैं म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश के जंगलों में जाकर छिप गए। विद्रोहियों को तितर बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मिजोरम नेशनल फ्रंट के मेंबर रहे थंग सांगा उस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि बमबारी से हम सब आश्चर्यचकित हो गए थे। हमारे छोटे से शहर को अचानक 4 लड़ाकू विमानों ने घेर लिया था। अचानक गोलीबारियों की बारिश होने लगी और बम गिराए गए। कई इमारतें ढह गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उस वक्त की कई रिपोर्टों में कहा गया था कि आइजोल शहर में आग लग गई थी, लेकिन गनीमत यह थी कि इस घटना में सिर्फ 13 आम नागरिक ही मारे गए। हालांकि सरकार और सेना ने इस बात से इनकार किया कि आइजोल पर बमबारी की गई थी, यानी कि जो 4 विमान ने बमबारी की थी, जो मिजोरम नेशनल फ्रंट से कब्जा वापस लिया था, उसको लेकर तो बात की गई, लेकिन बमबारी की बात को खंडन किया था। 9 मार्च 1966 को कोलकाता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हवाले से ये बताया गया कि इन लड़ाकू विमानों को एयर ड्रॉप और आपूर्ति के लिए भेजा गया था, बम बरसाने के लिए नहीं। लेकिन सवाल ये भी था कि राशन अगर गिराना था, एयर ड्रॉप करना था, तो कोई फाइटर जेट क्यों भेजेगा? वायुसेना के बम गिराने को लेकर इंदिरा गांधी पर कई सवाल भी उठे, बातें की गई, लेकिन पत्रकार और द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता ने अपने एक लेख में वाज इंदिरा गांधी राइट टू यूज एयर पावर अगेंस्ट हर ओन कंट्रीमैन में उन्हें पूरी तरह से एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी। शेखर गुप्ता ने अपने लेख में लिखा है कि आप अपने आप को इंदिरा गांधी की जगह रखकर देखिए, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद सत्ता में आए सिर्फ 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने ही हुए थे और इतनी बड़ी घटना हो गई थी। देश का एक हिस्सा को उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया था।
उधर पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई समाप्त हुए कुछ ही महीने हुए थे और वहां भी कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला था। उधर दक्षिण में साउथ में द्रविड़ आंदोलन जोर पकड़ रहा था। नागालैंड में चीन और पाकिस्तान के खुले समर्थन से अलगाववादी ताकतें सिर उठा चुकी थी। ऐसे वक्त में लालडेंगा ने भी विद्रोह का झंडा नहीं खड़ा कर दिया बल्कि आइजोल पर कब्जा कर लिया था। इस बीच विद्रोह को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया। उस समय ईस्टर्न कमांड के जनरल थे सैम मानेकशॉ, उनकी अगुवाई में एक नया प्लान बनाया गया। बमबारी जब हुई थी उसके ठीक एक साल के बाद 1967 में सरकार की तरफ से एक योजना लागू की गई जिसके तहत गांव का पुनर्गठन किया गया। इस योजना के तहत जो पहाड़ में रहने वाले हजारों मिजो लोग थे उनको उनके गांव से हटाकर सड़क के मुख्य सड़क के दोनों ओर बसाया गया ताकि प्रशासन किसी भी तरह से विद्रोह की चिंगारी पर नजर रख सके और स्थानीय लोग विद्रोहियों को मदद न कर सके। मिजोरम के कुल 764 गांवों में से 516 गांवों के लोगों को उनकी जगह से हटा दिया गया। सिर्फ 138 गांवों को नहीं बदला गया। इस बमबारी ने मिजो विद्रोह को उस समय भले ही कुचल दिया गया था लेकिन मिजोरम में अगले दो दशकों तक अशांति छाई रही। और ये दो दशक की जो अशांति थी वो 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और MNF के बीच एक ऐतिहासिक मिजो शांति समझौता पर हस्ताक्षर होता है। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही एक मानी जाती है। 1987 में मिजोरम इसी समझौते के तहत अलग राज्य बना और मिजोरम में जो पहली बार चुनाव हुआ वही लालडेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने। तो ये वो पूरी कहानी जिसका छोटा सा जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। यहां बहुत सारे सवाल आपको के जवाब मिल गया होंगे। ईस्टर्न कमांड के उस वक्त सेना कमांड में जो सेना की देख रहे थे वायुसेना के, उसके नाम था सैम मानेकशॉ, जिन्होंने बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, पाकिस्तान के जो दो टुकड़े हुए उनमें उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। तो मिजोरम की कहानी के पीछे और वो बमबारी के पीछे क्या थी वजह और क्या इंदिरा गांधी ने सही कदम उठाया था देश हित में या अपने लोगों के खिलाफ एक आक्रमण था, यही राजनीतिक विवाद का विषय है। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। नमस्कार।